अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी। आयो थारे बारने, क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा, दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे। दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे कारने, दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे कारने। बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा, इतरो मत बन मुंजी, और एक टाबरियो मने देवे, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, थारी पूजा आरती में विघ्न करूला, मर जाऊला, लोगों रो भरोसो उठ जावेला थारे ऊपर सो। कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो, पाछो घर ना जाओ, बहुत देर हो गई। भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी, अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार करो ना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो, आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुरों ने, तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में, समुद्रिया में कूद पड़ो। क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जासी। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है।
बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा। आए सांवरे दर्शन दीना, सिर पर पट्टी बांधने भगवान रे, माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे हो। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान के कर दो खबरा, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपके माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जरा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कई? बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी, आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, अरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो बास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग उगेला। बरस 61 वो मास भादवो नयो चांद जग उगेला। सुन रे अजमल थारे पालड़े तो दो टाबर झूले तार की बात है तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर दे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर।